जैसे कि बीजेपी का एक तरीका है ऑपोजिशन के नेताओं को फंसाओ, उनको डराओ, उनको जेल भेजो। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के परिवार और केजरीवाल जी को भी बधाई देते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि वही लोग जब दूसरे दल में रहते हैं तो ईडी अरेस्ट करती है, चार्जशीट करती है, समन करके बुलाती है, लेकिन अगले दिन भाजपा में मिल जाते हैं तो उनका चार्जशीट से नाम ही चला जाता है। देखिए, अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से बेल मिल गया है। अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद से अब इंडी गठबंधन के नेता एक एक करके बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के ऊपर हमला करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया था बेल देने के लिए अदालत को, धन्यवाद करते हैं। क्या कुछ कह रहे पूरे मामले पर तेजस्वी यादव? अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिला है, इसके लिए इस स्वागत का हम लोग इस फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं, और खुशी की बात है कि हमारे इंडिया अलायंस के एक लीडर को जो है बेल मिला है। साजिश के तहत जो है कि इस मुकदमा किया गया था, जैसे कि बीजेपी का एक तरीका है ऑपोजिशन के नेताओं को फंसाओ, उनको डराओ, उनको जेल भेजो। तो कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण डिसीजन लेते हुए उनको बेल दिया है, तो इसका हम स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी के परिवार और केजरीवाल जी को भी बधाई देते हैं, लेकिन गौर करने वाली बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट है, अगर उनका ऑब्जर्वेशन देखा जाए तो लगातार जो है एजेंसियों को फटकार लगाई जाती है, कड़े से कड़े शब्द में फटकार लगाए गए, एक बार नहीं अनेकों बार, इसमें भारत सरकार की किरकिरी हुई। अगर ऑब्जर्वेशन को देखा जाए तो साफ पता चलता है कि जितने कॉन्स्टिट्यूशन एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, बीजेपी जो लिस्ट प्रोवाइड करती है उसी लिस्ट पे ये लोग काम करते हैं। हम तो चाहते हैं कि मैं जो भी बात हो फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने ये भी देखा है कि वही लोग जब दूसरे दल में रहते हैं तो ईडी अरेस्ट करती है, चार्जशीट करती है, समन करके बुलाती है, लेकिन अगले दिन भाजपा में मिल जाते हैं तो उनका चार्जशीट से नाम ही चला जाता है। तो ये सच्चाई है, इसमें कोर्ट ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस तरह का अगर इन्वेस्टिगेशन और पॉलिटिकल वेंडेटा के हिसाब से अगर लोग टारगेट करेंगे तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो उसके लिए हम केजरीवाल जी को बड़ा बधाई देते हैं, खुशी की बात है। लेकिन बीजेपी करे कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, क्योंकि वो बेल पे गए पहले छोड़ी ना, बीजेपी का मतलब पहले बीजेपी पहले जेल के सीएम थे, अब बेल के सीएम हो गए। छोड़ी ना, वही केजरीवाल जी चले जाएंगे अभी बीजेपी, तो बीजेपी का तुरंत अभी केस वापस है। सच्चाई है, उनके भी नेताओं को कितना डराया गया, धमकाया गया, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सिसोदिया जी हो, सब बाहर है। देखो न्यायिक प्रक्रिया है, तो न्यायिक प्रक्रिया में तो न्यायालय का एक स्ट्रक्चर है ना भाई, उसको तो हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोग तुम इतना बोल रहे हो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कुटवा का ऑब्जर्वेशन हुआ तो बताओ, ज्यादा पढ़ने लिखने वाले लोग है ना वहां, थोड़ा कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई एजेंसियों को ये भी बताना चाहिए, एजेंसी किसके अंडर में काम कर रही है ये भी बताना चाहिए। हाथ मिला लेंगे तो चार्जशीट से नाम चला जाता है, ऐसा क्यों होता है सब जानता है, देश का बच्चा अब जानने लग गया है कि क्या खेल ये लोग अपना रहे हैं। तो इनसे कोई डरने वाला नहीं है, अपना जो काम है वो करें। जस्टिस भैया ने कहा सर कि आप लोग कम से कम सीबीआई को, तो सुना आपने किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद से एक एक करके सभी विपक्ष के जो नेता हैं वो हमलावर हो रहे हैं केंद्र की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर, और आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझकर अलग अलग राज्यों के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको फंसाया जा रहा है, ईडी सीबीआई के दबाव में उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है।
लेकिन साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हम लोग दबने को चलने वाले नहीं हैं और इंडी गठबंधन के सभी नेता एकजुट होकर एक साथ इंटैक्ट। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा दैनिक साथ। धन्यवाद।